नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम कटहल का बड़े बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को काट के इसे उबाल लिए है। 250 ग्राम कटहल है, इसे उबाल लिए है। अब इसे मैश कर लेंगे। सभी कटहल को इसी तरह से मैश करके मिला लेंगे। सभी कटहल को अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसमें बेसन डालेंगे, 3 चम्मच चना का बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, अजवाइन और मंगरैल मिला के 1 टीस्पून, अब मसाला में लेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला। दो बड़े प्याज कटी हुई, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 पिंच जावित्री जिसे कूट लिए है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 स्वाद के अनुसार। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तीखा आप जैसा खाना चाहे उसी हिसाब से मिर्ची को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सभी को मिला लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी हिसाब से डालेंगे और सभी को डाल के मिला लेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे तल के तैयार करेंगे। पैन में सरसों तेल डाल के इसे गरम कर लिए है। अब बड़े को बनाएंगे। इस तरह से पहले जो भी साइज बनाना हो गोल गोल कर लेंगे। और हाथ पर इसे दबाते हुए फैलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सभी को इसी तरह से बनाते हुए डालेंगे। बड़े को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे और आंच को मीडियम कर देंगे। एक साइड पकने के बाद इसे दूसरी साइड पलटेंगे। अब इसे दूसरी साइड पलटेंगे। इसी तरह दोनों साइड से उलट पुलट के इसे क्रिस्पी होने तक पका लेंगे।
इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं, अब इसे निकाल देंगे। कुछ देर रोकेंगे, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगी। गर्मा गर्म कटहल के बड़े बन के तैयार है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सीजन के समय इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।